और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। वेदांता ग्रुप, वेदांता कंपनी, आइए स्टॉक के बारे में बात करते हैं और इस कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आखिर ये करती क्या है। जो लोग नहीं जानते उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वेदांता लिमिटेड इज़ अ डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी। आवर बिजनेसेस प्राइमरी इन्वॉल्व्स producing oil and gas, zinc, lead, silver, copper, iron ore, aluminium and commercial power. Vedanta Limited is the Indian subsidiary of Vedanta Resource PLC. तो आप समझ गए होंगे कि माइनिंग का काम है इनका दुनिया भर के कई देशों में, और एक ज़बरदस्त जो जिंक का लीडर है, कॉपर के, आयरन ओरे के जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं। गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एट द कोर ऑफ द वेदांताज स्ट्रेटजी विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट एंड ऑन इन्हेंसिंग द लिव्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज। खैर ये तो बाकी डिस्क्रिप्शंस हैं, तो बेसिक चीज़ ये कंपनी क्या करती आप समझ गए होंगे। पिछले एक साल से काफ़ी इसमें गिरावट है, इनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, थोड़े से बेहतरीन एक आशा जगी है जो इन्वेस्टेड हैं या फिर जो इसमें जो नए निवेशक होंगे अगर उनको अट्रैक्ट करता है तो, वो आगे चल के हम बात करेंगे। बाकी मेरी तरफ से इसमें कोई अभी कॉल नहीं है बाइंग के। हाँ, मेटल एंड फिरोज वेदांता MNC 1965 से काम कर रही है, और यहाँ पे हाँ वेदांता लिमिटेड BSE पे आज मई 2019 8 मई है, 12:45, 157 के भाव पे ट्रेड हो रहा है। 52 वीक जो लो बनाया था इसने 145 रुपये का, हाई था 290 रुपये का, तो हाई से काफ़ी नीचे है। मार्केट कैप है इसका 58,936 करोड़ का, याद रखिएगा, और EPS 24.89 का, तो EPS काफ़ी अट्रैक्टिव है, नो डाउट। PE भी देखिए इंडस्ट्री PE के मुकाबले काफ़ी अट्रैक्टिव है, 6.37। बुक वैल्यू है 213 का, और बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे के भाव पे ट्रेड कर रहा है, 157 पे, ये भी ज़बरदस्त है। और इसका प्राइस टू बुक है 0.74, ये भी ज़बरदस्त अट्रैक्टिव है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, फेस वैल्यू 1 की रह गई है, और डिलीवरेबल है 18.69 की, जो कि बहुत कम है। आइए हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में हैं, दिसंबर 18 में जो नेट सेल्स इनकी थी 23,669 करोड़ की, वो मार्च 19 में हो गई 23,092 करोड़ की, तो 2.44% की डाउन साइड है नेट सेल्स में, यहाँ पे 2.5% के आसपास डाउन साइड है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जहाँ 5,645 करोड़ दिसंबर 18 के क्वार्टर में थी, वही मार्च 19 में हो गई 6,135 करोड़ की, तो यहाँ पे 8.68% की अपसाइड है। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में जहां दिसंबर 18 में थी 1574 करोड़ की, वहीं मार्च 19 के क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2019 में हो गई 2615 करोड़ की, जो कि 66.14% की अपसाइड है। ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट में उछाल है। यहां पे मार्जिन भी देख लेते हैं, तो मार्जिन जहां 23.85% थी, वहीं 26.14%, यानी कि चेंजेस कितने हुए, 2.29% की ग्रोथ में अपसाइड है। तो मार्जिन में भी इनको अपसाइड देखने को मिला, तो ज़बरदस्त इनके रिजल्ट। लेकिन एनुअल भी हम देख लेते हैं, एनुअल में अगर हम मार्च 18 से मार्च 19 में कंपेयर करते हैं, तो देखिए जहां मार्च 18 में 92,011 करोड़ की जो नेट सेल्स थी, वहीं डाउन होकर 90,901 की रह गई, जो कि 1.21% की डाउन साइड है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ 7.08% की डाउन साइड है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी यहाँ 31.69% की डाउन साइड है, और मार्जिन में भी इनको 1.66% की डाउन साइड है। तो ईयर ऑन ईयर में इनको लगातार नेट सेल्स में और नेट प्रॉफिट में, मार्जिन में, OPM में डाउन साइड है, लेकिन क्वार्टर के रिजल्ट्स इनके
अच्छे आए हैं, मार्जिन में भी अपसाइड है और नेट प्रॉफिट में भी अपसाइड है। निसंदेह गुड क्वालिटी कंपनी है। सेल्स ग्रोथ 16.13% की, EBIT ग्रोथ 17.47 की, और अभी यहाँ पे देखिए अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव के भाव पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अब ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसे कंपनी में ज़्यादातर, अभी हम रिटर्न्स भी देखेंगे आगे, कि पिछले 10 सालों में या 5 सालों में ऐसी कंपनी ने हमारे निवेशक को, जो लंबे समय के निवेशक हैं, उनको कितना रिटर्न दिया। शॉर्ट टर्म के निवेश का तो हम बात ही नहीं करते अपने चैनल पर, या इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर कॉल एंड पुट। तो लंबे समय के निवेशकों के लिए मैं एक बार रिटर्न भी दिखा देता हूँ, और फाइनेंशियल ट्रेंड अभी फ्लैट है, रिटर्न हम देख लेते हैं। रिटर्न में आते हैं तो 10 सालों में 21% का सिर्फ रिटर्न है, जो कि बहुत कम है। 5 सालों में नेगेटिव में रिटर्न है, 4 ईयर्स में भी 27.41 की नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन 3 ईयर्स में 52% के आसपास का अच्छे रिटर्न है। अच्छे रिटर्न तो नहीं, मतलब 52% के रिटर्न हैं, लेकिन 2 साल से लगातार यहाँ पे नेगेटिव में है रिटर्न्स, और 3 मंथ्स में जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको 2.82% की अपसाइड रिटर्न है, पॉजिटिव रिटर्न्स है, लेकिन फिर लगातार 1 मंथ, 1 वीक और 1 डे में भी नेगेटिव में रिटर्न्स है। तो जहां तक देखा जाए इस कंपनी में, दिग्गज कंपनी ने रिटर्न तो अच्छे नहीं दिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त अच्छा दिया हुआ है। तो डिविडेंड के लिए अगर हम चाहें तो एक सेकेंड हम विजिट कर लेते हैं। तो जब कंपनी, कभी कभी होता है क्या, कंपनियां अपनी जो है डिविडेंड के माध्यम से, बोनस के माध्यम से क्या होता है कि अपने निवेशकों को अपना जो नेट प्रॉफिट होता है, लाभांश होता है, वो सब बांटती रहती है, जिससे कि कंपनी का जो प्रीमियम है, स्टॉक प्राइस है, वो नहीं बढ़ पाता। जनरली ये PSUs कंपनी में होता है। अब देखिए यहाँ पे 2018 में इन्होंने 21 रुपये पर शेयर का जो इंट्रिम डिविडेंड दिया था, फर्स्ट इंट्रिम डिविडेंड, और वहीं 2018 में 70 रुपये पर शेयर के हिसाब से, अच्छा ये भी इंट्रिम डिविडेंड था, नहीं फाइनल डिविडेंड होगा, यस, तो 70 रुपये का दिया, 21 रुपये का दिया, वहीं 2017 में भी 70 रुपये का दिया। तो डिविडेंड इनका यील्ड ज़बरदस्त है, और 13 मार्च 2019 को भी इन्होंने डिविडेंड दिया है, कितने का, 1.85 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो पिछले कई सालों से डिविडेंड पे कर रहे हैं लगातार, और डिविडेंड इनका अच्छा ही रहता है। बट इसमें मैं बाइंग की सलाह इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अच्छे रिटर्न्स पिछले 10 सालों में नहीं रहे। हमें तो, हम चाहते हैं कि जो हमारे निवेशक हैं वो अच्छी कंपनियों में, उन कंपनियों में पैसा लगाए जो, जिनको आप जानते हैं, जिनके आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जिनके आप प्रोडक्ट्स रोज़ देखते हैं। इन कॉर्पोरेट की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों में, जिनमें बिजनेस की समझ कम है, उनमें थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर्स को अवॉइड करना चाहिए। बाकी कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल से ज़रूर मशवरा करें, फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।